हटकर हूँ थोड़ी दिखने में, मैं भी इंसान हूँ। मैं सुंदर नहीं जिस्म से, बस रूह से इंसान हूँ। ये पंक्तियाँ ट्रांसजेंडर नूह शेखावत पर सटीक बैठती हैं, जिसने बचपन से ही दुखों का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर नूह शेखावत की। राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर नूह शेखावत अब पढ़ लिख कर अपने सपनों को नई उड़ान देने जा रही हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली यह पहली ट्रांसजेंडर हैं। नूर ने बताया कि साल 2013 में 12वीं होने के बाद पढ़ाई छूट गई थी। हालांकि 12वीं में भी एक ट्रांसजेंडर होने के नाते कई ताने सहने पड़े और काफी संघर्ष किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद लोगों के घरों में जाकर बधाइयां भी ली, लेकिन उस जिंदगी से घुटन होने लगी, फिर वापस पड़ा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाने वाली ट्रांसजेंडर नूर बताती हैं कि उनका भी सपना था कि उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, और उसके लिए वो पढ़ाई करना चाहती हैं। हालांकि अभी सब्जेक्ट का चयन नहीं हो पाया है। वो चाहती हैं कि उन्हें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट मिले। साथ ही आपको बता दें कि नूर ने बताया कि मैं पढ़ाई करके समाज में जिस प्रकार हम लोगों को लेकर जो सोच बनी हुई है कि हम पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकते, उसको खत्म करना है। साथ ही नूर ने बताया कि सुष्मिता सेन की ताली फिल्म को देखकर मैं इंस्पायर हुई और वहां से मैं अपना अगला कदम उठाया। नूर ने बताया कि किसी को तो आगे आना ही होगा, तो फिर वह मैं क्यों नहीं। नूर बताती हैं कि हमको भी पढ़ाई का अधिकार है। हम भी जिस प्रकार लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, उनको दुआएं देते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग भी हमारा सम्मान करें और हमारे दर्द को समझें, ताकि समाज में भिन्नता ना हो। खुदा ने पहले नर लिखा, फिर लिखा नारी। जब टूट गई उसकी कलम, तब बारी आई हमारी। ना नर हूँ ना नारी हूँ, जनाब मैं किन्नर हूँ, आधा नर हूँ और आधी नारी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ पूजा जोशी। बहुत बहुत स्वागत है नूर शेखावत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते नूर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि एक ट्रांसजेंडर को लीगल राइट्स मिलना कितना ज़रूरी था। देखिए, लीगल राइट्स मिलना उतना ही ज़रूरी था जैसे एक बच्चे को माँ का प्यार मिलना। क्योंकि अगर जैसे कि हम इस समाज में अगर रह रहे हैं, अगर उस समाज की मुख्य धारा में हम शामिल नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस दुनिया में, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि हम इतने सारे हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर पे बधाई लेने आते हैं, हमारे सब सारे कार्यों में किन्नर हमारे आते हैं। आपने ट्रेन में देखे होंगे किन्नर मांगते हुए, बस पे देखे होंगे, कई बार तो सिग्नल्स पे भी आपने देखे होंगे, बट क्या उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उतना ही हमारा ज़रूरी है लीगल राइट्स के लिए लड़ना, उनके लिए हमारी मांगे उतनी ही ज़रूरी हैं जितना आम आदमी के लिए, आम नर नारी के, जैसा आपने कहा नर नारी के लिए, जितना आम आदमी के लिए, औरत के लिए, उतना ही सेम हमारा लीगल राइट है। हम इसके लिए, हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए ये बेसिक राइट है, तो वो बेसिक राइट हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब आपके जीवन की शुरुआत हुई, कब आपको इन सब कुछ का फेस करना पड़ा? देखिए, मैं रहने वाली तो प्रॉपर जयपुर की हूँ, जयपुर में ही मेरा जन्म हुआ था, एक राजपूत परिवार में मैं जन्मी थी। बट कुछ एक कारणों के कारण, कुछ एक, जैसे कहते हैं ना, दुनिया की रीत चली आती थी, दुनिया जो जानती है खाली नर और नारी को ही जानती है, वो ये नहीं जानती किन्नर किन्नर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है, मुझे समाज का ही ये दोहरा रूप कभी समझ नहीं आया। कहीं कहते हैं किन्नर हम भगवान का रूप है, हमारी पूजा करी जाती है, मैंने खुद ने बधाइयाँ मांगी हैं, मैं जजमानों के घर गई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अपनी मेहमान नवाजी, मतलब निभाई है। जब मैं उनके घर गई हूँ, दस्तरखान बिछा देते थे, ठीक है, बहुत इज्जत करते थे, पैर छूते थे। बट क्यों समाज आज, अगर उसके घर पे किन्नर पैदा होता है, कोई किन्नर होता है, तो क्यों उसे दरकिनार कर दिया जाता है? ये मेरा एक समाज से सवाल है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम पौराणिक काल में हम जाएं, महाभारत में, जहाँ पे श्रीखंडी थी जो कि किन्नर थे, और राजा द्रुपद की वो बेटी थी मतलब, बट उन्होंने, राजा द्रुपद ने, वो इतने बड़े किंगडम के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने उनको दिया नहीं, उन्होंने रखा उनको अपनी बेटी और बेटे के बराबर का दर्जा दिया। तो क्यों हमारा ये समाज इस रीत को आगे तक लेके जाता? क्यों अगर उसके घर में किन्नर पैदा हुआ है, तो उसको आगे तक, मतलब अपने घर में ही रखता, उसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि किन्नर समाज में कहीं देने की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं शर्म की कोई पात्र तो नहीं हूँ। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे दुनिया में, वो लड़का
है ना, जो लड़का रेप कर रहा है, जो हम औरतों पे जुल्म ढा रहा है, मार रहा है, काट रहा है। खाली हम अभी लेटेस्ट हमारे राजस्थान में देखिए कितना कुछ हुआ, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा वो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, कोई काट के फ्रिज में डाल रहा है, कोई काट के कुकर में उबाल रहा है। मुझे लगता है वो शर्मनाक है, वो लोग शर्मनाक है, ऐसी औलाद शर्मनाक है। मुझे लगता है हम किन्नर तो शर्मनाक है ही नहीं। अगर हमको भगवान का दर्जा दिया है तो वो माँ कितनी पूजनीय है जिसने हमको पैदा किया। क्या आज देव की और यशोदा को पूजा नहीं जाता, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण को जन्म दिया। हमको भी भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर अगर समाज हमको भगवान का दर्जा दे रहा है तो क्यों उस परिवार में, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, उस माँ की इज्जत करें, ना कि उसको ताने मारें कि तुम्हारे घर में तो ऐसा इंसान पैदा हो गया। उस ताने के डर से वो माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग कर देती है। मैं आज अपनी माँ को गलत नहीं बोलूंगी कि मेरी माँ गलत है, मेरी माँ भी चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं, बट कहीं ना कहीं मेरी माँ इस समाज को लेकर डर जाती है कि समाज क्या कहेगा, समाज उंगलियां उठाएगा। उस समाज से मेरे प्रश्न है कि क्यों उंगलियां उठाएगा, मतलब क्यों? या तो फिर हमको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। अगर एक तरफ आप हमें भगवान का दर्जा दे रहे हैं और एक तरफ घर में पैदा हो जाते हैं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या उनको लगता है कि किन्नर क्या आसमान से आए हैं या जमीन से आए हैं, जमीन से प्रकट हुए हैं, आए तो उसी माँ की कोख से हैं, तो क्यों इतनी ज़्यादा घृणा है हमको लेके? अब मुझे समझ में ही नहीं आता, घृणा कहूँ मैं उसे या मैं इज्जत कहूँ जो हमें दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं समाज की बहुत बड़ी भूमिका समाज निभा रहा है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज़ हम सबको समझें, हम किन्नर को समानता का अधिकार दें, ठीक है। कोई भी किन्नर जो है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम बनना नहीं चाहते, बट कभी समाज ने अभी कभी हमको उस चीज़ में जोड़ा नहीं, उस नज़रिए से हमको देखा नहीं। आज आप आउट ऑफ राजस्थान देखेंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई पुलिस में है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, सब मतलब अभी कितनी मूवीज बन रही हैं OTT पे, अभी रिसेंटली आई है गाली से ताली तक, उसमें कितना बड़ा रोल अदा किया है सुष्मिता सेन ने। उन्होंने खुद ने ही चीज़ बोली कि उन्होंने अब वो जब वो ये भूमिका निभा रही थी तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, ये चीज़ कि उन्होंने खाली एक भूमिका निभाई है, वो भूमिका हम बचपन से लेके एंड तक निभाते हैं, वो लड़ाई हम एंड से शुरू से लेके एंड तक लड़ते हैं। क्योंकि समाज तो बहुत दूर की बात है, बट हमारे घर जहाँ पे हम पैदा हुए हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि हम गैरों में पल रहे हैं, ये हमारे माँ बाप नहीं हैं। क्यों मुझे समझ में नहीं आया वो चीज़, आज तक मुझे चीज़ के लिए ऐसा है कि क्यों मेरे माँ बाप मेरे को लेके प्राउड फील नहीं कर सकते। आज अगर इसी जगह अगर एक लड़का होता, लड़की होती, तो शायद वो बहुत प्राउड फील करते, बट क्यों मेरे घर वालों ने, जैसा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का आया पिछले महीने, तो मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया कि आप ठीक हो, भूकंप आ गया था अगले दिन ही सुबह, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जैसे औलाद पैदा हो गए तो भूकंप ही आएगा और क्या आएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब एक माँ होके उनको कितना मजबूर कर दिया है समाज ने, कि एक माँ होके वो ये चीज़ कह रही हैं कि मतलब हम जैसों को नकार रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्यों समाज हमारे साथ ऐसा कर रहा है, दुर्व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, क्यों हमको कुछ समझता नहीं है? बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टडी चेंज आएगा, समाज में आएगा। उसके लिए मैं लड़ूंगी, मैं आगे तक जाऊंगी, मैं बात करूंगी लोगों से, जिसको जो प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछे, मैं उसका फ्रीली आंसर करने को तैयार हूँ। जैसा कि अभी आपने एक मूवी के बारे में बताया कि उसमें सुष्मिता सेन ने इतना अच्छा रोल किया, एक किन्नर की स्टोरी उसने बताई। उस दौरान जब वो छोटे थे तो उन्हें अपने माँ बाप सबका जो गुस्सा था, सबकी जो बातें थी, वो सब कुछ सहन करना पड़ा। तो आपके जीवन में जब आपको ये पता लगा कि आप एक किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? आपने कैसे समाज को, परिवार को, अपने आप को ढाला उस सिचुएशन में? देखिए वो बहुत बड़ा, अगर कहते हैं ना, अगर हम बात करते हैं शुरू की, ठीक है, माँ बाप, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 3 साल की थी, ठीक है, मैं सिंगल वन मदर की उसमें रही हूँ, परवरिश में। तो मेरी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि हम लोगों को पालना और फिर समाज से छुपाना, ये सब चीज़ें। मुझे भी कहीं ना कहीं घर का बड़ा बच्चा होने के नाते मुझे भी वो सब चीज़ें ऐसा लगता था कि अगर मेरे पापा नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी माँ और भाई का ख्याल रखना है पड़ेगा। उस चीज़ को मैं आगे तक भी लेके गई। स्कूल में मेरे साथ ऐसे होता था, दुर्व्यवहार होता था कि स्कूल में लोग, मतलब बच्चे जो थे, मेरे को चिढ़ाते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे। बाय द टाइम जब मैं 9th, 10th में, 11th, 12th में आई, तो मेरे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट भी हुआ, मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया ज़बरदस्ती। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द पर्सन नेम, ठीक है, बट इतना डर बैठ गया था ना, क्योंकि मैं घर पे आके मम्मी को बताती कि मम्मा मुझे चिढ़ाते हैं, तो मम्मी बोलती थी कि मैंने तुमको बोला था तुम इस तरीके से लड़कों की तरह हो, तुम मतलब उल्टा वो मुझे ही डांटते थे, मुझे ही मारते थे कि तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे उठना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर अंदर घुटती थी कि मैं क्या, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, कि गलती तो मेरी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं जैसी हूँ वैसी तो हूँ। अगर मैं
अपोजिट बन के रहूं मैं, अगर एक मेल के तौर पे भी आप मेरा खुलिया देखिए, मैं अगर कितनी देर तक मेल प्रटेंड करके रहूंगी, अगर मैं ये रोल ऐसा अदा करना हो जाता जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप एक मेल के रोल में आइए, आप मेल का रोल अदा कीजिए, तो आप एक कितना कर पाएंगे, एक घंटा दो घंटा? मेरे को ताउम्र मैंने कम से कम 15-16 साल मैंने उसी किरदार में निभाए हैं, और मुझे पता था मैं अंदर अंदर कितना घुटती थी। जब 2017 में अपने किन्नर समाज में उठी बैठी उन लोगों से मिली, तब मुझे लगने लगा कि नहीं यार मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मैं किन्नरों में गई, उदयपुर गई, मैंने वहाँ पे बधाइयाँ वगैरह मांगी, बट कहीं ना कहीं एक मन में कसक थी कि यार मैं क्यों नहीं आगे पढ़ सकती, मैं क्यों, मतलब क्यों मेरा समाज ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता, कोई डॉक्टर कोई लॉयर बनना चाहता है क्यों नहीं, पर कहीं ना कहीं उसमें एक पॉज लग गया था, मैं कोई सोच ही लिया था मैंने कि छोड़ो अब इसे, मतलब यही अपनी लाइफ है, कम से कम एटलीस्ट मैं अपने घर में, तब मुझे किन्नरों में जब मैं रह रही थी तब मुझे लगा कि मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में रह रही हूँ, वरना अब तक 15-16 साल मैं यही सोचती रही कि मैं गैरों में पढ़ रही हूँ। फिर अभी साल भर पहले की ये बात है, मिस्टर शिवराज गुर्जर हैं जो कि यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, वो मेरी लाइफ में, मैं उनकी पहला केस थी, थीसीज वो लिख रहे हैं, तब उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इतना अच्छा काम करते हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप चीज़ों को समझते हो, तो क्यों ना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करते। तब मैंने उनको बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तो 12th पास ही हूँ, तो मैं कैसे आगे कर पढ़ाई परस्यू कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखिए अगर आपको नहीं करना है तो एटलीस्ट आप मत कीजिए, बट आप दूसरे लोगों के लिए, अपने समाज के दूसरे लोगों के लिए आप एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, और आप उठाते हो तो आने वाले टाइम में कोई नूर पैदा नहीं होगी, कोई माँ बाप शर्माएगा नहीं अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने मैं खुद गई थी, बट आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जैसे कि आजकल फीमेल फेटिसाइड भी हमने रोका है, बच्चियां पैदा हो रही हैं, है ना, वैसे ही सेम किन्नर ही पैदा होंगे तो कोई माँ बाप शर्माएगा नहीं, वो खुद जाके अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, प्लस एजुकेशन के सेक्टर में भी उसको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, कुछ बनेगी आने वाले टाइम पे मेरी कम्युनिटी की, कोई भी ट्रांसजेंडर बहन मेरी, कोई लॉयर होगी, कोई डॉक्टर होगी, कोई पॉलिटिकल लीडर होगी, तो ये एक उन्होंने मुझे आइडिया दिया। फिर तब मैंने अपना एक CBO रन किया, एक NGO खोला मैंने अपना खुद का, स्टेट रेनबो सोसाइटी के नाम से, तो उसमें मैं ट्रांसजेंडर के सोशल राइट्स के बारे में उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ, और भी सोशल स्कीम्स उनको जोड़ती हूँ, तो वो सब मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके, मतलब मैं चाहती तो ई मित्र से करवा सकती थी अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज, बट आई वॉन्ट, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट चेंज करवाने डाला था बट उसको ऑब्जेक्शन आ गया था, दूसरी तीसरी बार भी ऑब्जेक्शन आ गया था, फिर मैंने ठान लिया था कि मुझे एक्चुअली अब ई मित्र से कोई काम नहीं करवाना है, मुझे अपना पर्सनली वहाँ पे जाना है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है वहाँ अधिकारी से डायरेक्ट मिलना है, अधिकारी से बात करनी, क्योंकि फाइल रिजेक्शन वहीं से होकर आ रही है, तो एटलीस्ट जब अधिकारी ही सेंसिटाइज होंगे हमारी कम्युनिटी को लेके, इन राइट्स को लेके, तो आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं चाहे कितना ही ई मित्र से करवा लूँ, आना वहाँ से ऑब्जेक्शन ही है। मैं गई वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो आधार हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आप ड्राइविंग लाइसेंस का ले लो, आप बर्थ सर्टिफिकेट का ले लो, आप गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि नाम मेरा आदित्य था पहले तो वो चेंज करवाने के लिए, तो वहाँ पे मैं खुद गई, वहाँ पे मैंने सारे अधिकारियों से बात करी, मैंने उनको बताया कि देखिए ये हमारे राइट्स हैं, ये नालसा का जजमेंट आया था, इसके दौरान आप थर्ड जेंडर है तो आपको उसमें वो चेंज करना रहेगा, तो वो चीज़, वो भी सेंसिटाइज हुए, उन्होंने भी देखा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सब लोग इतने सेंसिटाइज हैं, जहाँ जहाँ मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडीज़ मैंने हर एक चीज़ बनाई, वोटर आईडी बनवाई, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है मेरा जन आधार राशन कार्ड के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंटली ये बात है कि एक्चुअली मेरा फैमिली का जन आधार था, बट मैंने जब उधर से सेपरेट करना चाहा ई मित्र पे जाके, तो अगेन एक ऑब्जेक्शन आ गया कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये मुखिया बनने के योग्य नहीं है। वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने ही आगे से जन आधार में खाली जो मुखिया है वो खाली एक लेडी बन सकती है, बहुत कम चांस होते हैं इसमें एक मेल बन सकता है ना, पर एक लेडी का ही होना ज़रूरी है। तो फिर मेरे केस में तो ये, ना तो मैं लेडी हूँ, ना मैं शादी कर सकती हूँ, ना मैं अभी मरी हूँ, मैं जिंदा ही हूँ आपके सामने जीती जागती, तो वो चीज़ उन्होंने बोला कि हम इसके लिए कर रहे कोशिश। उन्होंने मुझे सीताराम जी जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं जो जनाधार के, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस हफ्ते वो काम हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट टाइम से फिर जनाधार बनना चालू हो जाएंगे, मुखिया के तौर पर हम लोग अपना जनाधार बना सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक मेरे पास जनाधार नहीं है मैं पेंशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अवेल कर ही नहीं सकती हूँ, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, जैसे मैंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके लिए स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, या कोई भी मुख्यधारा मुख्य स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है, राशन कार्ड का, देखो राशन कार्ड मिलता है वो भी हमारा किसी का नहीं है, बट मैं ये पहली एक मुहिम चला रही हूँ जिससे कि क्या है कि आने वाली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ना उसके लिए हेजिल फ्री हो जाए, थोड़ा दिक्कत ना आए उनको किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैं पर्सनली जा जाके अधिकारियों से मिलकर आ रही हूँ, उनको हमारी इन सब चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज करके आ रही हूँ। बिल्कुल
देखिए आपका बहुत सराहनीय काम है, लेकिन नूर जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस प्रकार आपने कहा कि एक महिला को और एक पुरुष को जिस प्रकार इस समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार ट्रांसजेंडर को भी होना चाहिए। आपके क्या सपने थे? आपने भी बचपन में कुछ सपने देखे होंगे, बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारे दुख भी झेले, संघर्ष किया, आज लड़ रहे हैं आप उन ट्रांसजेंडर के लिए जो आएंगे अब, लेकिन उनके लिए लड़ रहे हैं। आगे क्या सपने हैं आपके, क्या चाहते हैं आप? देखिए मेरे सपने जो थे ना वो कहीं ना कहीं मिट्टी में दफन हो चुके थे, है ना। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मेरी यही जिंदगी है, यही नाचना गाना, यही ढोलक पेटी पे नाचना गाना, बधाइयाँ लेना, बधाइयाँ मांगना, यही सब मेरी जिंदगी रह गई है अब। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर लगने लगा था ये चीज़ कि नहीं, कि और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका मैं जीवन खराब नहीं होने दूंगी। आप स्कूल में जब होंगे तब आपने एक प्रेयर गाई होगी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि नहीं, उनको अगर मेरे को उनकी जय जयकार करवानी है तो पहले उसके लिए मुझे उस लेवल पे आके खड़ा होना पड़ेगा, तभी उनकी जय जयकार होगी और सही मायनों में जय जयकार होगी। तो मैंने जाके फिर मैंने सोचा कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे और डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बनाती तो भी मेरा काम चल ही रहा था, बट मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, और डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, चाहे वो छोटा डॉक्यूमेंट चाहे बड़ा डॉक्यूमेंट हो। तो मेरे आज हर एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सिवाय जन आधार के, राशन के और पासपोर्ट के। तो हर एक डिपार्टमेंट में अब मैं जाऊंगी और जो जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स है वो भी बनवाऊंगी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में आप पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना लिया है, क्या कहेंगे इसके? देखिए मैं हर बार यही चीज कहती हूँ, आई एम द फर्स्ट वन बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ लास्ट वन। मैं पहली जरूर हूँ बट मैं आखिरी नहीं बनना चाहती और मैं आखिरी बनूंगी भी नहीं। मेरे लिए अचीवमेंट तब होगा जब मेरे बाद और भी ट्रांसजेंडर्स आए, और भी ट्रांसजेंडर्स आए और नॉर्मली अपनी लाइफ जिए, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके लिए कोई स्पेशल केस का नहीं हो उन, क्योंकि हम चाहते हैं इक्वालिटी समाज में, जैसी आप हैं, जैसी मैं हूँ, जैसे और अन्य सदस्य हैं, हम सदस्य बोल लो या फिर लोग कह लो जो हमारी जिंदगी में है, मैं चाहती हूँ सेम समानता है। तो अब भी जितना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, हर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है, बट हम उससे ज्यादा हम इक्वलिटी चाहते हैं। एक वर्ड है सिंपैथी और एक वर्ड है एम्पैथी, हम सिंपैथी नहीं चाहते, हम एम्पैथी चाहते हैं दुनिया से। बिल्कुल, देखिए कई लोग आपको आपके आशीर्वाद को आशीर्वाद भी मानते हैं, कई लोग अभिशाप भी कह देते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है, जबकि आप उनकी खुशियों में जाते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, उनको खुशियां देते हैं, उनके घर में कोई भी बधाई का कार्यक्रम होता है तो आप सबसे पहले जाते हैं। ऐसे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और आने वाली ट्रांसजेंडर को भी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप साधना न्यूज़ के जरिए दर्शकों? देखिए दर्शकों को से मेरी इतनी ही विनती है कि प्लीज़ आप जितना हो सके, जो भी ट्रांसजेंडर्स आपके घरों पे आती हैं, बधाइयाँ लेके जाती हैं, अच्छा है कि आप बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वो सम्मान जिंदगी भर तक बना रहे, हमारे पीठ पीछे बना रहे, ना कि सिर्फ इस डर से कि अगर बुआ जी, जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ किन्नरों को बुआ जी कहते हैं, कि बुआ जी अब तक घर पे हैं 3-4 घंटे 5-6 घंटे, तब तक ही वो हमारे साथ में अच्छा रहे, ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे पीठ पीछे भी उन वही सम्मान, वही जो हमारे लिए रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम मेरी कम्युनिटी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमें भी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी डरती है आगे आने से, वो इसलिए डरती है, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव होगा। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं साधना टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अब तक जितने भी मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं पे भी मैं जा चुकी हूँ, लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैं हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जा चुकी हूँ, उनका बहुत सा सहयोग रहा है कि हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है आगे। लेकिन बस यही है कि एक पहल कहीं से होनी थी, वो पहल मैंने कर दी है, आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इस चीज़ का मैं ख्याल रखूंगी। बिल्कुल, तो देखिए आज हमारे साथ एक ऐसी ट्रांसजेंडर और ऐसी किन्नर जुड़ी जिन्होंने अन्य किन्नरों के लिए रास्ते खोले, अपना लक्ष्य बनाने के साथ में औरों का भी लक्ष्य बनाया, उन्हें रास्ता दिखाया और समाज और परिवार में जिस तरीके से उनको इज्जत नहीं मिलती उनकी इज्जत को भी बढ़ावा दिया। ऐसे ही आगे भी हम एक खास शख्सियत से आपको फिर मिलवाएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।